अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ इस वक्त हाजिर हूँ और साथ मेरे कुछ ये दोस्त हैं, उमैर भाई हैं, दानियाल है। हम इस वक्त रसूल नगर जा रहे हैं, तो रसूल नगर में जाके हम वहाँ पे फिशिंग करने का प्रोग्राम है दरियाए चनाब के किनारे पे, और उसके अलावा वहाँ पे एक दोस्त है उनकी वहाँ पे ज़मीन है, तो वो देखेंगे कि वहाँ पे क्या उन्होंने काश्त करने के लिए क्या इंतज़ाम किया हुआ है। और इसी तरह वहाँ पर हम वो खाना भी वहाँ पे ही पकाएंगे, ठीक है, खाना वहाँ पे पका के, तो और फिशिंग का भी प्रोग्राम है, लेट्स सी कि वहाँ पे क्या होता है। अभी तो हम यहाँ से तैयार हो गए हैं, सब भाई तैयार हैं, तो हम यहाँ से निकलते हैं, तो मज़ीद आपको रास्ते में भी और आगे भी दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो गाइस आज हम ये अपने स्टाफ से निकलने लगे हैं, छः बंदे हम ये हैं और सातवां मैं आपका होस्ट, और इसके अलावा हमारे दो सीनियर्स भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है सफ़र अच्छा रहेगा और सफ़र के साथ साथ हमारा एडवेंचर भी अच्छा रहेगा, और वो कहते हैं ना पंजाबी में शुगर मेला, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इंशाल्लाह रास्ते में भी आपसे फर्दन व फर्दन मुलाकात और किसी ना किसी जगह पर रुक के बातचीत होती रहेगी। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस वक्त खड़े हैं, ठीक है, ये फाटक बंद है, वो उस तरफ भी ये देखे पीछे ये मेहर भाई सारे हम खड़े हैं, और इधर भी सारी ये बंद है, इसकी बारिश नहीं है और वो ट्रेन आ रही है। सारों की चौंक में है, ये जो वज़ीराबाद की तरफ से आता है, तो यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे अभी बात हो रही है, बर्सा बता रहे हैं खान की वाला रोड, हाँ ये वाला है खान की वाला रोड है ये वाला, ठीक है। ये हम अहमदनगर की तरफ से आए हैं और ये सारे अब हम इस तरफ रसूल नगर की बात, कोई नहर गुजर रही है उसके पास सूखे हुए हैं, और यहाँ पे बड़ी तेज़ बारिश हुई है अभी, और बड़े मज़े का मौसम बना हुआ है सारा। पीछे बाकी दोस्त वहाँ पे ज़रा पीछे चाय शाय पी रहे हैं, और मैंने कहा मैं ज़रा यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये कोई ट्रैक्टर आ रहा है, और मुझे लगता है उस ट्रैक्टर के ऊपर ना सॉन्ग लगे हैं, बेहतरीन जगह यहाँ पे, ये वॉशरूम भी है, ये मस्जिद भी है, छोटी सारी बनी हुई है। ये हम एक जगह पे रुके हैं जहाँ पे ये फ़िश फार्म है, और ये फ़िश निकाल रहे हैं उधर मेन रोड पे, यहाँ जाने लगे हैं नेक्स्ट आगे, और ये हम लोग और वो बाइक अभी बड़ी मुश्किल से गिरने से बचे हैं, बाइक वो पीछे है, तो बाइक की हालत चेक कर, हम यहाँ पे एक डेरे पे यहाँ पे रसूल नगर रुके हैं, यहाँ पे हमने अपनी बाइक्स खड़ी करनी है, यहाँ से फिर हम आगे वहाँ पे वो कश्ती में बैठ के आगे जाएंगे, और वहाँ से पैदल चल के आगे वाला रास्ता है, तो ये एक गांव सारा, ये पीछे वो दरिया का बंद है, तो यहाँ से फिर हमने आगे जाना है, यहाँ पे हमने अपनी
बाइक्स खड़ी करनी है, ये दोस्त वो जो जिनके पास खड़ी करनी है उनसे बात। हमारे वो गाइड भी आ गए जिन्होंने हमें आगे लेके जाना है। इस वक्त ये देखे सारा सामान है, ये देखे काविश की काविश की जूती देखे होंगे। चलो जी अब हम आगे जाने लगे हैं। इस वक्त हम ये इस डेरे पे आए हैं जहाँ पे वो बाइक्स खड़ी की हैं। बाइक्स खड़ी करके ये यहाँ पे कोई ऑलरेडी टूर आया हुआ है तो बाइक्स खड़ी की हैं। ये रॉड देखे उन्होंने कोई सारा सिस्टम। अब हम ना कश्ती में बैठने लगे हैं। ये दरियाई चनाब है और ये सारा पीछे दरिया है। ये सारे लोग बैठने लगे हैं और मैं भी बैठ रहा हूँ। और ये हमें गाइडेंस मिल रही है किस तरीके से हमने क्या करना है। दुआ करें और ये इस वक्त ये नुमान भाई जो डर रहे हैं। नुमान साहब सर मैं पहली दफा आया हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कश्ती में पहली दफा बैठा हूँ। भला मेरे बड़े भरा ने कहा जे तू दरिया च गया तो छुपया पाया ते वीडियो कार नहीं पहुंचनी चाहिए पूरी दुनिया च पहुंचेगी। मैं भी ये उबैर साहब है वो काविश ऊपर चढ़ा हुआ है। मेनू नाई बनाया तेरा ना वेखे जे हुण ये बेसिकली हमारा कुक है यहाँ पे। ये हमारे होस्ट है हमदा भाई। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह का कि दरिया के बाहर जाके हम अगली साइड पे जाके हम कुकिंग करेंगे और वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। और दरिया के अंदर पहले भी मैं कश्ती में बैठा हूँ मगर ये वाला एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इसका। तो असली जो गांव है असली गांव वो आप उधर जा रहे हो, ये सही ओरिजिनल गांव है जो विलेज लाइफ है ना वो हम देखेंगे, बल्कि हम खुद वहां पे एक जाके एक्सपीरियंस करेंगे। वहां पे हम टाइम स्पेंड है ना एज अ विलेजर स्पेंड करेंगे टाइम। मोहतरम भाई बड़ा मजा आ रहा है और ये भाई जान यहाँ पे बैठे हैं, ये फुल इस वक्त डरे बैठे हैं। ये वाले भाई ये पता नहीं मस्कत कैसे रहा है मस्कत लेकिन इस वक्त डर रहा। ये किनारा पास इस वक्त आ रहा है, इधर दिखाओ मजा आ रहा है किनारे के पास ही जा रहे हैं। एक अलग सी इस वक्त हम वो दूर से पैदल चल के आए हैं वो पीछे से। अभी ये रास्ता क्रॉस किया है, अभी ये यहाँ से पैदल जा रहे हैं। ये दरिया का कोई पानी है थोड़ा सा हिस्सा, ये अभी कह रहे हैं कि शायद वैसे ही हमने गुजरना है। तो ऐसे लग रहा है कि हम कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं किसी कंट्री का। तो बहरहाल मज़ा आ रहा है, ये एक एडवेंचर है और मैं तो स्पेशली इसीलिए आया था और इस चीज़ का ही मज़ा है। बाकी यह है कि सेफ्टी हर इंसान को अपनी रखनी चाहिए, सेफ्टी करके तो फिर ही आगे जाना पड़ता है। तो अब ये देखें ये जाने लगे हैं, जूते उतार रहे हैं। अभी ये दो साथी तो गए हैं इतने से पानी में, तो अभी मैं भी इसमें से गुजरूंगा। वो दोस्त भी हैं पीछे, वो भी तैयार हो रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। सब अपने अपने सेटिंग वेटिंग करके आ रहे हैं। तो मैं इस वक्त पानी में जाने लगा हूँ, वो चले गए मेरे दोस्त। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेट्स सी कितना कितना पानी है। मेहर भाई कौन सा रास्ता सही है? सर्दी का मौसम, दिसंबर का दिन और वो पीछे से हम आए हैं। इन्होंने दो लकड़ियां लगाई हैं इसमें से गुजरने के लिए। फराद भाई कैसा लग रहा है आपको? यार बहुत मजा, बहुत ठंडा पानी है, पानी भी कोई इतना नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आराम से उनसे ये भी क्रॉस कर दिया। फर्स्ट टाइम ही ये एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है इस चीज़ का। अभी ये जूते और मोबाइल के सब हमने पकड़े, अब हम आगे जा रहे हैं। नीचे देखे गीले हो गया और ये लकड़ी का सहारा जो आप लोग साथ ले रहे हैं ताकि जो है ना फिसलन भी हो तो संभल सके हम लोग। काफ़ी इंजॉय।
बेसिकली हमारा ना यहाँ पे आने का मकसद यही एडवेंचर करना था, वरना हम घरों में तो बैठे ही होते हैं, मगर ये जो चीज़ है इसका अपना ही मज़ा है। सारा सामान मैंने बैग में डाला हुआ है, मोबाइल शोबाइल और जूते ये मैंने हाथ में पकड़े हैं, गंदे हो गए हैं, बुरी हालत हुई है। ले जाइए हम पानी से बाहर आ गए, और वो उमेर भाई अभी भी उधर है, वो देखे कुछ दोस्त काफ़ी आगे चले गए हैं, और अभी बाकी लोग काफ़ी आगे चले गए हैं, हम भी ये दरिया में भाग रहे हैं, और दरिया के लहरों से ये जो रेत बनी है इसका जो टेक्सचर है, स्टाइल है, वो अमेजिंग है। हम वो कश्ती से आए हैं, ये दरिया का पानी है सारा, दरियाए चनाब है, और ये अब हम जा रहे हैं, अभी वो मेरे दोस्त काफ़ी आगे चले गए हैं तो उनके साथ जा के मिलते हैं। ये इस वक्त दरिया का हिस्सा है ये वाली ज़मीन, ये देखें ये सारी गंदम की काश्त की गई है, वो मूलियाँ लगी थी, साग लगा था, और ये मूली उतारी भी है। बेसिकली कि जब दरिया का पानी आता है ना, सैलाब आता है, तो वो पानी सारा इस ज़मीन पे आ जाता है। हाँ बिल्कुल, तो ये बेसिकली वहाँ पे उन्होंने अपनी फसल काश्त की है। यहाँ पे एक ड्रामा लगता था मसूरी, उसमें एक कलाम वो बोलता था, दरिया की लहरों से इश्क नहारा, मौजे ही क्या है जो ढूंढे किनारा। हम लोग किनारा नहीं ढूंढ रहे, हम लोग बस चलते जा रहे हैं, और वही चीज़ हमारा है कि मौज ही क्या जो ढूंढे किनारा, कि जो घरों में आराम से बैठे हैं उनको इस एडवेंचर का क्या पता जो हम इस वक्त यहाँ पे कर रहे हैं। नो डाउट हर काम में थोड़ा सारा स्ट्रगल करनी पड़ती है, रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना पड़ता है, मगर ये है उसके बावजूद। जैसा कि अभी जो है ना, पानी का कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता कि पानी की गहराई कौन सी है, हाँ, और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है क्योंकि दिसंबर चल रहा है, और रेत से हम गुजर के आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे लिए तो चलना भी बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे फुल सांस चढ़ा हुआ है इस वक्त, और यहाँ पे सांप वगैरह भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जैसी झाड़ियाँ वगैरह, हाँ, इसलिए ये हमने साथ एक स्टिक भी रखी हुई है, वो हमें नज़र आ गया हमारे साथ आगे जाते हैं। अभी सब लोग आगे चले गए हैं, वो मछलियाँ पकड़ने के लिए शायद कुंडियाँ लगा रहे हैं, और मैं ज़रा थोड़ी अपनी सेटिंग वेटिंग कर रहा था, तो अभी मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ। सारा वीरान इलाका है, दरिया दरियाए चनाब, ये देखें सारा वीरान, यहाँ तक दरिया का पानी आया होता है जब कभी सैलाब आए या वैसे पानी हो दरिया में। अच्छा जी, ये देखें अब हम लोग देसी तरीके से जो है ना, वो खाना तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि नुमान भाई का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है इस बारे में, कुकिंग जो है नुमान भाई आज बेहतरीन करके सबको खिलाएंगे। और दूसरी तरफ जो है ये फराज भाई और मीर हमजा साहब जो हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जो है हम लोग चिकन जो है वो रोस्ट करेंगे, ये देखें ये मेहनत कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये चीज़ जो है ना, रिजल्ट इंशाल्लाह जो है वो जैसा भी निकलेगा, हम लोग इंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इंजॉय करने का मज़ा आ रहा है। मेन ये देखें सबसे मज़े की चीज़ जो ये हम लोगों के लिए तो ये वीराना ही मज़े का है, वैसे तो लोग जंगलों में भी जाते हैं वो भी, और ये बिल्कुल सामने ये सारा जंगल है, यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं, सुअर वगैरह जो है, और
ये साथ ही बिल्कुल दरिया है और वहाँ पे जो है हम लोग वो फिशिंग के लिए जो है कुंडियाँ वगैरह लगा के इधर बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह दुआ करें सारी अंदर खाद के हम लोग जो है वो इंतजाम है फिश का भी जो है ना मजा ले लें ले लें। ये देखें जी कुकिंग जो है फुल जोरों शोर से हो रही है और नुमान भाई जो है वो उसके हवाले से जो है ना हमें बहुत उम्मीद है कि अच्छा खाना बनाएंगे क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है इस हवाले से। और ये देखिए बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है अभी, भूख भी जो है ना काफ़ी लग गई हुई है पैदल चलने की वजह से। चावल पकाए हैं और ये बड़े मजे के बने हैं इस तरह की जगह पे। राज भाई सारे व्यू चावल तो कमाल है, इस जगह पे बैठे पहले तो ये देखे ये चावल है ठीक है। ये अभी हम एक लेग पीस को भी बॉइल कर रहे हैं, ये हमारा टेंट लगा हुआ है, मजा आ रहा है। नुमान भाई शुक्रिया सर बहुत किया हम भाग थोड़ा दिखाई भैया। ये देखें हम कैसी जगह पे इस वक्त बैठे हैं, वो पीछे हमारे दरिया है, दरिया चिनाब बिल्कुल वीराना, मज़ा आ रहा है। अभी हम ना चिकन रोस्ट करेंगे, ये सेटअप लगाया उसका मैंने। अभी हम वापस जा रहे हैं, ये देखें अगेन पानी में से गुजरते हुए वो अंकल वहाँ पे पीछे खड़े हैं और वो सारे साथी देखें जा रहे हैं। बड़ा ये इस वक्त सेम ऐसा लग रहा है जैसे ये ना डेंकी लगा के जा रहे हैं, इसी तरह का सीन होता है उसका जब वो करते हैं ना। ये यहाँ पे देखें ये कोई जंगली जानवर के निशान भी हैं, यहाँ पे ये सेम वो वाला सिस्टम लग रहा है जैसे कि डेंकी लगा के जाते हैं यूनान में या जर्मनी में या ख़ास तौर पे तुर्की से जो आगे जाते हैं, ये सेम उसी तरह ही है। हमारे सफ़र का इख्तिताम हो गया, हम वापस जा रहे हैं ठीक है। ये रास्ते में हम एक पेट्रोल पंप पे ज़रा रुके थे थोड़ी देर के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड है और बड़ा अच्छा सफ़र रहा। हालत ज़रा बड़ी गंदी हुई है
मिट्टी से गुजर के, दरिया से गुजर के जिस तरीके से आया मज़ा आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टूर बड़ा अच्छा रहा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी टूर के साथ वो भी हम आपके साथ जरूर। अल्लाह हाफ़िज़।